नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खिचड़ी। बहुत से लोग साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं लेकिन उनकी उतनी खिली खिली नहीं बनती, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए साबूदाना। आपको एक बड़ा बाउल साबूदाना भिगो देना है एक गिलास पानी के साथ। इसको आपको 2.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हैं साबूदाना कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका साबूदाना पूरी तरह से पिसा है कि नहीं। ये देखिए साबूदाना कितनी अच्छी तरह से पिस चुका है। आपको इस तरह से देख चेक कर लेना है कि आपका साबूदाना पिसा है कि नहीं। आपको साबूदाने की खिचड़ी को फ्राई करने के लिए ये सारे सामान चाहिए। आपको 1 कप टमाटर काट लेना है, 1 कप प्याज, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, और हमें चाहिए 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 नींबू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा साबूदाने की खिचड़ी बनाना। सबसे पहले आपको एक कढ़ाई ले लेनी है जिसके अंदर आपको ऑयल डालना है। आपको ऑयल को थोड़ी देर तक गर्म होने के लिए रख देना है ताकि वो उसका कच्चापन बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए। आपको ऑयल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब आपके ऑयल में से धुआं निकलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका तेल छौंक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम तड़का लगाने के लिए सबसे पहले राई और हींग डाल देते हैं। आपको गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये देखिए आपकी राई इस तरह से चटकने लगेगी। अब हम इसमें टमाटर प्याज अपने डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च। आपको इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम मसाले डालने हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हम यहाँ 1 चम्मच डाल रहे हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च। अब आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर तक पकाना है, जब तक आपके टमाटर प्याज सिक जाए अच्छे से पक जाए, तब तक आपको थोड़ी देर तक चलाना है। आपको इसमें आपको पूरे 5 मिनट लगेंगे। आपको 5 मिनट तक इसे चलाते रहना है इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आने लग गया है हमारे टमाटर प्याज में। अब हमें इसमें अपना साबूदाना डाल लेना है। आप इस तरह से निकाल सकते हैं साबूदाने को। इस बड़ी चमचे की सहायता से आपको इस तरह से अपना सारा साबूदाना निकाल लेना है। अब आपको इसे इस तरह से चलाते रहना है धीरे धीरे। आपको मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। आप देख सकते हैं ये देखिए आपका साबूदाना कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपको इसी तरह से मिक्स करना है इसे अच्छे से। साबूदाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो हमें इसे बनाते रहना चाहिए। 1 हफ्ते में 1 बार हमें साबूदाना ज़रूर खाना चाहिए। आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें 1 नींबू निचोड़ कर डाल देंगे। आप नींबू की जगह खटाई भी डाल सकते हैं लेकिन नींबू से अलग ही टेस्ट आता है, तो आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए।
अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देख सकते हैं हमारा साबूदाना कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे अपनी धनिया की पत्ती के साथ। दोस्तों बनने के बाद आप इसे अपने एक प्लेट में खिला लें। देखिए हमारा साबूदाना कितनी अच्छी तरह से पक गया है और बिल्कुल खिला खिला बना है और बहुत ही अच्छा कलर रहा है। गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अ वीडियो।